जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरहंतालम नमो सिद्धालम नमो आयरियालम नमो वज्जायालम नमो दोये सर्वसाहूलम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छदे अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशतां वंदित्तु सर्वसिद्धे दोमचलमणोऽमुङ्गदिं पत्ते गोच्छामि समय पाहुड समय सार परमागम शास्त्र में जीव जीव अधिकार के बाद वेद विज्ञान की धारा को और अधिक पुष्ट करने के लिए आचार्य देव ने कर्ता कर्म अधिकार की रचना की है। इस कर्ता कर्म अधिकार में मूल भाव तो यही है कि जीव अपने भावों का कर्ता है, उद्गल कर्म का कर्ता या शरीर आदि अन्य पदार्थों का कर्ता किसी भी स्थिति में नहीं। यदि मानता है तो यह उसका अज्ञान है। तो अज्ञानी जीव भी उस मान्यता रूप अज्ञान का ही कर्ता होता है, पर का तो कर्ता होता नहीं। अज्ञान में माना जरूर गया कि मैं शरीर आदि पर पदार्थों का कर्ता हूं, मानने से क्या होता है। एक जगह टोडरमल जी ने भी लिखा है, कुछ मानने के अनुसार तो वस्तु का स्वरूप बदलता नहीं है। मान्यता बदल जाए तो जीव सुखी हो सकता है, विपरीत मान्यता है तो जीव दुखी रहेगा, वो उसके ऊपर है। लेकिन वस्तु स्थिति तो जो है वही रहती है। इस विषय को आगे बढ़ाते हुए एक 100वीं गाथा आई है जिसमें चार बोलों से आत्मा पर का करता है या नहीं इसको बहुत बढ़िया ढंग से सिद्ध किया है। आप लोगों को ध्यान में भी होगा, यदि आत्मा पर के साथ व्याप्य व्यापक भाव संबंध बनाया जाए और व्याप्य व्यापक भाव से आत्मा कर्ता होवे तो क्या होगा, तो वस्तु स्वरूप ही नष्ट हो जाएगा है? तो आत्मा की जड़त्व का प्रसंग आएगा। कोई कहेगी ठीक है, व्याप्य व्यापक भाव तो नहीं है, निमित्त निमित्तिक भाव है कि नहीं है। इसमें एक बहुत बारीक दृष्टि अपनाई है, क्योंकि पिछली गाथाओं में तो कहा है कि हाँ निमित्त निमित्तिक भाव जीव में और पुद्गल में है, परंतु यहां उन्होंने आत्मा को एक चैतन्य स्वभाव ज्ञायक भाव के रूप में स्थापित किया और कहा कि उसका अगर निमित्त निमित्तिक भाव से कर्ता कर्मपना हो गए तो नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आएगा। हमेशा वो जगत में पदार्थों का परिणमन होएगा और ये निमित्त बनने के लिए हाजिर रहेगा। तो वही जिम्मेदारी इसी के ऊपर आ गई, भाई चले अपन कुछ करें नहीं, जाके खड़े तो हो जाएं कम से कम। अपने खड़े होने से ही बहुत फर्क पड़ता है, लोग बाग सावधान हो जाते हैं, कर्मचारी सही काम करते हैं। तो नित्य निमित्त निमित्तिक भाव से भी आत्मा कर्ता नहीं है, तो उसमें उन्होंने आत्मा को मतलब ज्ञायक भाव को भी लिया और पर्यायों को भी ले सकते हैं। पर्याय के साथ में भी नित्य कर्तापने का प्रसंग आएगा ही आएगा।
फिर तीसरे बोल में कहते हैं कि उसका योग और उपयोग के साथ में निमित्त निमित्तिक संबंध है। ये 100वीं गाथा की टीका की बात कर रहा हूं मैं। और योग और उपयोग में उन्होंने ज्ञानी और अज्ञानी ऐसे दो भेद डाल दिए कि जो अज्ञानी योग और उपयोग को अपना मानता है वो अज्ञानी करता है निमित्त निमित्तिक भाव से, ज्ञानी तो उस योग और उपयोग को भी अपना नहीं मानते, इसलिए ज्ञानी का निमित्त निमित्तिक संबंध भी नहीं। यानी कहां से बात उठा के और दृष्टि कहां ले जाना चाहते हैं, ये बहुत मार्मिक दृष्टि है। इसी बात को 102 गाथा में भी कहा, ज्ञानी अपने ज्ञान भाव का करता है और अज्ञानी अज्ञान भाव का करता है। तो ज्ञान भाव माने क्या? यहां वो सहज ज्ञान की धारा जो बहती है, सामान्य ज्ञान जानन रूप, उसकी बात नहीं है। ज्ञानी भेद विज्ञान का करता है, मैं पर का करता नहीं हूं ऐसी अनुभूति का करता है, और अज्ञानी मैं पर का करता हूं ऐसी अनुभूति का करता है। तो इन्होंने 102 गाथा में ये स्पष्ट किया है कि अज्ञानी भी अपने अज्ञान भाव का ही करता है। पुद्गल कर्म का करता तो ज्ञानी या अज्ञानी कोई भी नहीं है। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि पर का करता नहीं है, इस पे कितना वजन दिया, कितनी गाथाएं लगाई इसके लिए, कितना विस्तार किया। और राग का करता नहीं है, ख्याल में आए ना, इसका तो केवल जो अपन ने पहले के आए ना 75, 76, 77, 78, 79 गाथाएं, वहां भी राग को पौद्गलिक परिणाम कहके आत्मा को उसका अकर्ता कहा गया है। अगर जीव का परिणाम है इस दृष्टि से देखा जाए तो अशुद्ध निश्चय से आत्मा ही राग का करता है। ये विवक्षा थोड़ी बारीक है। मैं आपको टोडरमल जी का जो निश्चयाभाषी वाला प्रकरण है उसमें उन्होंने इस बात को उठाया है, और बहुत बढ़िया सरल भाषा में और सुंदर स्पष्टीकरण है, क्योंकि जिनागम में दोनों तरह की बातें आती, राग का करता है पर का नहीं है ये बात भी आती है, और परमार्थ से देखा जाए तो राग का भी करता नहीं है, और ज्यादा ही गहराई से जाया जाए तो पराश्रित ज्ञान का भी करता नहीं है, परम अकर्ता है, अवोचित परम अकर्ता नाथ, बात तो वहां तक दृष्टि की जाती है। टोडरमल जी ने कहा, भैया जिनवाणी का प्रयोजन तो राग आदि को घटाने का है, वीतरागता का प्रयोजन है। तो जो जीव अपने को राग रूप ही अनुभव करते, जिन्हें ज्ञान और राग का भेद विज्ञान नहीं है, ऐसे जीवों को निमित्त की प्रधानता से, ये शब्द है उसमें, ये राग को पुद्गल का कहा है ना आगम की शैली में, ये असद्भुत व्यवहार ने का कथन, अध्यात्म की शैली में ये शुद्ध निश्चय ने का कथन। ये नए विवक्षा भी बड़ी विचित्र है। जब मैं नयों के बारे में ज्यादा विस्तार से बात करता हूं, आवाज साफ समझ में आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, है गूंज रही है तो थोड़ा दिक्कत तो नहीं है, थोड़ी बहुत गूंज भी होनी चाहिए। राजन भैया वो कहते हैं, यह बात चल रही थी, राग को पुद्गल का करता भी कहा और जीव का भी करता कहा, जीव को भी राग का करता कहा। तो फार्मूला है, वस्तु एक कथन दो, तो निश्चय व्यवहार लग गया। लेकिन ये राग वाले मामले में कथन एक और नए दो, और इसमें तो तीन चार नए लगते हैं। राग का कर्ता कौन है आगम शैली में कहो तो व्यवहार नए से कर्मकृत है,
निश्चय से जीव ने स्वयं किया। अध्यात्म में मामला उलट जाता है कि निश्चय से कर्म कृत है और उपचरित सद्बुद्धि व्यवहार से जीव का कहा जाता है। बोलो अध्यात्म में बिल्कुल मामला पलट जाता है। तो टोडरमल जी ने फरमाया कि जो जीव राग को ही अपना स्वभाव मानते हैं तो उन्हें राग का और ज्ञान का भेद ज्ञान कराने के लिए निमित्त की प्रधानता से राग को पुद्गल कर्म जन्य कहा और जीव को उससे भिन्न बताया, अभिन्न बताया चाहे अकर्ता बताया, वो बात तो ये कही है। लेकिन जो कर्म ने कराया है, पर के कारण राग हुआ है, पर का दोष देखते हैं ऐसा मान के बैठे हैं, उन्हें उपादान की मुख्यता से कहा कि राग का कर्ता तो स्वयं। और आपको याद होगा वो नौवें अधिकार वाला प्रकरण, क्या कहा उसमें, आप तो महंत रहना चाहता है और कर्म को दोष लगाता है, सो जिन मत में ऐसी अनीति संभव नहीं है। अब बोलो अब क्या क्या माना जाए, तो इसमें दिक्कत क्या है? गुरुदेव एक बहुत सुंदर वाक्य बोलते हैं, अपने को आप भूल के हैरान हो गए, बाकी कर्म तो निमित्त मात्र है। तो इस तरह है, इस विषय को ही आगे बढ़ा रहे हैं सौवीं गाथा के बाद भी। एक द्रव्य अन्य द्रव्य का कुछ भी कर सकता नहीं, इसी आशय के भाव 103 और 104 गाथा में भी कहे। फिर उपचार को भी स्थापित किया 105 से 108 गाथाओं का, चार गाथाओं का एक ग्रुप है जिसमें जीव निमित्त भूत बनने पर कर्म का परिणाम होता हुआ देखकर उपचार से कहा जाता है कि ये कर्म जीव ने किया। ये इंडेक्स में से पढ़ रहा हूं, ये पहला बार यहां मुक्रोनिया में प्रयोग कर रहा, इसका आगे और भी संभावनाएं बहुत है। पूरे कर्तक कर्म मीमांसा, समय सार की दृष्टि में कर्ता कर्म मीमांसा, इसको लेकर के एक बहुत बढ़िया निबंध तैयार हो सकता है। कितना बड़ा होगा, 8 पेज 10 पेज का। ये सारी विवक्षाएं समय सार की भी आ जाएं और उससे लगती हुई अन्य ग्रंथों में जो हैं उनके साथ भी संधि बिठा ली। अन्य ग्रंथों में भी यही बात है, पुगल कम्मा दीनम कत्ता व्यवहार दो निश्चय दो चेदन कम्मा नादा शुद्ध नया शुद्ध भावाणम, वही विवक्षा उधर है जो द्रव्य संग्रह। तो जीव ने कर्म बांधे, क्योंकि आप देखिए कर्णान योग शैली में बहुत विपुल आगम ग्रंथ उपलब्ध है, बड़े बड़े महान ग्रंथ हैं, षटखंड आगम है, मनीष जी ने तो उस दिन बताया था सर, हैं उनकी धवला इत्यादि टीकाएं हैं, पूरे गोमर सार ग्रंथ के कर्म कांड वगैरह की कितनी लंबी लंबी व्याख्याएं हैं। तो ये जीव ऐसा करता है, अनुभाव कांडक घात करता है, स्थिति कांडक घात करता है, कर्ण अग्नि में ऐसा होता है, मतलब भाषा बिल्कुल ऐसी है जैसे जीव ही सब कर्म में करता कर रहा हो। तो उस भाषा के प्रति भी जीव को यथार्थ आशय क्या ग्रहण करना चाहिए ये समय सार समझाता है। ये निश्चय व्यवहार की शैली में समझाया जाता है कि जीव के परिणाम निमित्त हैं और कर्म का परिणाम नैमित्तिक है। हमने क्रोध किया तो देखो ये भी एक बड़ी विचित्र बात है, 7 प्रकृतियां एक साथ आती है कि नहीं, आयु को छोड़ के 7 प्रकृतियां मूल प्रकृतियां वे निरंतर आती रहती हैं। और स्थूल रूप से कहें कि क्रोध किया, मान किया, अरे भगवान की पूजा कर रहे हैं तो भी 7 प्रकृतियां आ रही हैं, और रोटी खा रहे हैं तो भी 7 प्रकृति, का फायदा पूजा करने से और रोटी छोड़ने से? सोचने की बात है भैया,
लेकिन उस परिणाम में ऐसी सूक्ष्म योग्यता पड़ी रहती है कि ज्ञानावरण का स्थिति अनुभाग कितना पड़ेगा, अंतराय का कितना पड़ेगा, मोहिनी का कितना पड़ेगा, साता असाता वेदनी का कितना पड़ेगा, वो निमित्त होने की योग्यता जो सुबह मैंने बताई थी उधर शायद धर्मास्ती अधर्मास्ती का उदाहरण देके, वो उस परिणाम के अंदर पड़ी। इसलिए तत्वाद सूत्र में स्थूल या मुख्य कथन करके आश्रम अधिकार में तत्प्रदोष निन्नव माश्चर्य अंतराय आसादन इत्यादि बताए ना, तो ज्ञानावरण का आश्रय किन किन परिणामों से होता है, दर्शनावरण का आश्रय किन परिणामों से होता है, तो मुख्यता से तो वो ही कहा, लेकिन वो परिणाम सातों के आने में निमित्त बन रहा है, ये निमित्त निमित्तिक भाव है। इसे टोडरमल जी साहब ने प्रथमान योग की शैली समझाते हुए बड़ी अच्छी बात कही। प्रथमान योग में जो कषाय छोड़ाने का प्रसंग होवे उसी के ऊपर सारा दोष मल दिया जाता है, समझ में आया ना। अब रावण ने सीता का शीर हरण तो नहीं किया था, तो भी क्रिया नहीं होने पर भी वो भावों को मुख्य करके उसके कारण वो नरक गया। अब नरकायु बंद के समय और भी परिणाम हुए होंगे, और भी सब बातें हुई होंगी, नरक जाने लायक और भी परिणाम हुए होंगे, प्रयोजन इसका है। इसी तरह प्रयोजन को मुख्य करके इन परिणामों से दर्शन मोहिनी का, इन परिणामों से ज्ञानावरण का ऐसा कथन किया जाता है। तो कर्णान योग की शैली में जीव ने कर्म बांधे फिर जीव निर्जला करता है, अपकर्षण करता है, उत्कर्षण करता है, तो ये इसमें कहा उपचरित कथन। वो फार्मूला मैंने भैया परसों ही बताया था शायद, कौन सा, व्यवहार ने स्वद्रव्य परद्रव्य को उनके भावों को कारण कार्य आदि को किसी में मिला के निरूपण करता। फिर उसके आगे कहते हैं मिथ्यात्वादी सामान्य आश्रव और गुणस्थान रूप उनके विशेष बंध के करता है। वाह, ये तो उस टाइप का है जैसे कोई चोर को पकड़ा जावे, हो गए साहब मैंने चोरी नहीं की, ये तो मेरे हाथों ने करी है। तो सऊदी अरब वाले जो बहुत कठोर देश हैं, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम आपको सजा नहीं देंगे, हाथों ही को देंगे आप। है ठीक उसी टाइप का इधर है कि जीव करता नहीं है, लेकिन जीव में जो मिथ्यात्व आदि चार प्रत्यय कहे, प्रत्यय शब्द है ख्याल में, मिथ्यात् अवृत अज्ञान मिथ्यात् अविरत कषाय और योग, ऐसे चार प्रत्यय बताए। प्रत्यय माने कारण, तो बंध के चार कारण की चर्चा 109 से 112 गाथा तक होती। संक्षेप में कहो तो मिथ्यात्वादी चार, और उनका डिटेल कहो तो गुण स्थान, गुण संज्ञा दी, ये गुण गुण प्रत्यय, बोलो स्थान हटा दिया अकेला गुण रखते गुण, ये बंध के कारण है। और भी इसमें आश्रम अधिकार में तो कहेंगे ज्ञान बंध का कारण, फिर कहेंगे ज्ञान जो अल्प परिणमता है वो बंध का कारण, फिर कहेंगे अल्प ज्ञान के साथ में जो राग होता है वो बंध का कारण, यानी ऑन दी होल पूरी परिस्थिति का ज्ञान कराते। तो वास्तव में तो निश्चय से माने क्या, ये एक अपन लोगों को भी निश्चय से करता नहीं है लेकिन व्यवहार से है, तो कुछ कुछ फैसला तो होना चाहिए ना कि इतना ही कह के छोड़ दे, निश्चय से नहीं है व्यवहार से है, इस आधार पर क्या निर्णय होगा, तो जीव दुखी हुआ क्यों, निश्चय से नहीं हुआ व्यवहार से हुआ। शायद एक जगह ऐसा भी आता है जैसे ना चार की टीका में है, सुनने लायक बात है, उन्हें कहा कि ये हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह ये तो जीव व्यवहार से पाप करता है, आत्मा चैतन्य आत्मा तो पाप परिणामों का करता है नहीं, इस टाइप की बात। तो कोई बात नहीं,
तो जो नरक जाएगा ना वो भी व्यवहार से ही जाएगा, फिर जो दुख भोगेगा ना, कर्मों का फल भोगेगा ना, वो भी व्यवहार से ही भोगेगा। तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। यानी उसी बात को लेके जीव स्वच्छता का पोषण कर सकता और उसी बात के आधार पर जीव पर से दृष्टि हटा के स्वभाव सन्मुख हो सकता है। वो तो अपने अभिप्राय का खेल है भाई। तो निश्चय से जीव ये ना कर्म का कर्ता नहीं है, इसका क्या अर्थ है हमेशा सोचना चाहिए। ये जो सूत्र लिखे हैं, बातें लिखी हैं, उसका आशय क्या है, उसका थोड़ा और डिटेल तो करो कम से कम, तो उसका मतलब क्या निकलता है। तो निश्चय का विषय ऐसा जो भगवान आत्मा उसकी दृष्टि से देखा जाए तो उसमें बंद भी नहीं है, मोक्ष भी नहीं है। तो बंद का भी करता नहीं है, मोक्ष का भी करता नहीं। यहां बंद की बात चल रही, ख्याल में आया ना। आत्मा तो ज्ञानमयी है, तो ज्ञान स्वभावी आत्मा ज्ञान रूप प्रणमन करता। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्य करोति किम परभावस्य कर्ता आत्मा मोहो अयम व्यवहार। पर भाव के दो अर्थ हैं, परद्रव्य की पर्याय को भी परभाव कहते हैं और पर के लक्ष्य से होने वाले अपने रागादि भावों को भी परभाव में ही डालते हैं। जहां जो योग्य हो वो समझ लेना। कुछ भी हो, ज्ञान में कर्तृत्व नहीं। और लोक में भी जहां ज्ञान की प्रधानता से बात होती है तो आप देखिए, ज्ञान तो जानता मात्र है, करता क्या है? प्रकाश जो है वो क्या करता है? प्रकाश ने प्रकाश रूप प्रणमन किया और उसमें वो उसके निमित्त से ये पदार्थ हमें दिखने लगे तो हम कहते हैं प्रकाश में पदार्थ दिखाई दे रहे। तो प्रकाश ने क्या किया उन पदार्थों में जाके? ये बात कल परसों भी आई थी सर। प्रकाश क्या करता है? जानता प्रकाशित मात्र होता है। फिर दीपक क्या करता है? अपनी ज्योति में प्रकाशित होता है। वास्तव में तो दीपक में दीपक ही प्रकाशित होता है, उसकी लौ में तो दीपक ही है, लौ ही है, हैं? पदार्थ तो उसके अंदर आते नहीं। तो इस तरह है, आत्मा को ज्ञान स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो उसमें राग ही नहीं होते, तो राग के कारण होने वाला कर्म बंद होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये अर्थ है। किस बात का अर्थ कहा हमने? कौन सी बात का अर्थ बताया आशुबोल? निश्चय से आत्मा पर द्रव्यों का कर्ता नहीं है। तो निश्चय से का मतलब कोई निश्चय का मंत्र पढ़ लेता होगा तो कर्ता नहीं बनता होगा। अरे हमारे श्रुत ज्ञान में आत्मा को देखने की दो दृष्टियां हैं। कल मैंने थोड़ी निश्चय व्यवहार की बात कही थी, शायद सवेरे कही होगी, घी का घड़ा वाली है। इसी प्रसंग में एक और विचार करो, घी का घड़ा अपन ने बोला, कौन से नए का कथन है? व्यवहार नहीं। अब व्यवहार नहीं किस में है, घड़े में है या घी में है? दो पदार्थ है ना, घी और घड़ा, उन दोनों की संयोगी भाषा बोली ना अपन ने। तो व्यवहार न घड़े में है न घी में है, फिर किस में है? हमारे अभिप्राय, वक्तोर अभिप्रायो नया, वक्ता के या ज्ञाता के अभिप्राय को नये कहते हैं। तो हमने अपने ज्ञान में घी के संयोग से घड़े की पहचान की, इस ज्ञान का नाम व्यवहार नय है। वो हमारे ज्ञान में पैदा होता, वो ज्ञान है। व्यवहार नय घड़े की पर्याय नहीं है, घी की पर्याय नहीं है, ज्ञान की पर्याय। पर्याय माने कार्य। और उसी घड़े को हम घी के बिना उसके स्वरूप से ही पहचाने हैं। तो ये जो हमारे ज्ञान ने पहचान करी है घड़े की, उस ज्ञान का नाम है निश्चय नहीं। तो निश्चय और व्यवहार दोनों ज्ञान के ही कार्य हैं। और आगम पद्धति में उसको श्रुत ज्ञान बोलते, श्रुत ज्ञान का परिणाम है। ऐसे इधर लगाने, निश्चय से आत्मा पर का कर्ता नहीं है,
यानी हमारा ज्ञान आत्मा को ज्ञान स्वभाव की दृष्टि से देखे तो वो ज्ञान में ही दिखाई देगा। ज्ञान में सिर्फ ज्ञातृत्व है, और अगर करने की भाषा के बिना चैन नहीं पड़े तो जानना ही ज्ञान का कार्य है। वो ही उसका करता है, ज्ञान का ही करता है। और लोक में भी ज्ञान में कर्तव्य की भाषा का प्रयोग करते। कोई लड़का एमए की परीक्षा दे रहा है, आजकल क्या कर रहे हो? एमए कर रहे हो। एमए में करते क्या? गड्ढा खोदते हो, दौड़ लगाते हो, कसरत करते हो, करते क्या हैं? माल खरीदते हो, करते क्या हो? तो एमए संबंधी विषयों का ज्ञान कर, इसी का नाम एमए करना होता है। इसके अलावा एमए करना हो क्या, एमए करो, पीएचडी करो, कुछ भी करो, इस करने में जानने तो है ना आखिर। ऐसे आत्मा का जानना वही आत्मा का करना है। वो कोई कर्तव्य तो धर्म से हीन हो गया ऐसा नहीं है। जानने में ही कर्तापना है उसका, बिना कर्तव्य की बुद्धि के सहज जानना। अभी एक भक्ति आ रही थी, कल भी शायद, कल परसों भी बोली थी, निज अनुभूति सहज ज्ञायकता। बड़ा प्यारा शब्द है। दौलत राम जी ने कितने वर्ष पहले इस शब्द का प्रयोग किया, निज अनुभूति सहज ज्ञायकता। क्या अर्थ करें इसका? सहज ज्ञान रूप वर्णमन वही जीव का अनुभव है, वही अनुभूति है। अनुभूति त्रिकाली की बात नहीं है, अनुभूति रूप वर्णमन जो ज्ञान का वर्णमन है वही अनुभूति है। लेकिन अनादि से सोचिर रस तुस मेल पगी, राग वेश रूपी मेल में पगी हुई। अब अपने बुंदेलखंड में पगी का अर्थ करने की जरूरत नहीं है, बुद्धि पाग लेते हैं जैसे, वैसे एक मेघ एक रस हो रही। यानी ज्ञान की धारा और राग की धारा अज्ञान भाव में एक मेघ दिखाई दे रही है, हुई नहीं है, ऐसा है भैया। तो ये जैसे कोड वर्ड होते हैं ना, तो गवर्नमेंट में ये जो जांच करने वाले बड़े ऊंचे स्तर के ट्रेंड अधिकारी होते हैं, वो कोड को पकड़ के डिकोड करते, समझ में आया? विदेशी लोग जो हैं वो कोड वर्ड में मैसेज भेजेंगे तो वो उसको डिकोड करेंगे, माने उसको खोलेंगे कि इसका क्या मतलब हो सकता है। ये सब कोड वर्ड है। आत्मा निश्चय से पर का करता नहीं है, ये मिथ्या तो अज्ञान मिथ्या अवृत्ति कषाय योग यही बंध के कारण है, आत्मा बंध का कारण नहीं। फिर आगे कहते हैं, जीव और आश्रमों का भेद दिखाया, 113 14 15 गाथा में। और मतलब आश्रम जुदा है और जीव जुदा है, बात यहीं से शुरू हुई थी है? जब आत्मा और आश्रमों का भेद ये जीव जानता है तो कर्म का कर्ता कर्म की प्रवृत्ति नहीं होती। भेद जानने से कर्ता कर्म का अज्ञान मिट गया, और जब तक अपने को आश्रव रूप माना, कर्म का कर्ता माना, रागादि का कर्ता माना, समझ में आया ना, तो वो तो अज्ञान से बंध चालू है। यहां उन्होंने उसका निराकरण किया कि भेद बताया है और अभेद मानने में दोष दिया गया है, विशेष तो उनमें आता है सब। अभी इसमें वो चीज संक्षेप में कही जो सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार में लगभग मेरे ख्याल से 13 गाथाओं में कही है। कौन सी? सांख्य मति पुरुष और प्रकृति को अपरिणामी कहते हैं, उसका निषेध करके पुरुष और उद्गल को परिणामी कहा। देखो अपने यहां की जो थीम है ना, उसी को सर्वथा पकड़ के और थोड़ा घूम के उनके यहां का एक अलग मत प्रचलित हो गया। उनके यहां जो पुरुष है वो अपने यहां का त्रिकाली ध्रुव परम पारणामिक भाव जैसा है, और पुरुष माने आत्मा तो होता ही है, और परमार्थ से आत्मा का वही स्वरूप है। क्या गलती करी उन्होंने पुरुष को अकर्ता मान के, अभोक्ता मान के? पुरुष कुछ नहीं करता, अपन भी कहते पारणामिक भाव निष्क्रिय है,
क्या फर्क है सांख मति में और जैन मत में? और जो करता है सब प्रकृति करती है। तो सवेरे हमने आपको 50 टीकाएं की जो 64 गाथा जैसे ना चाहे देव वाली वो बताई थी, उसमें क्या था? ये उपसम भाव, संयुपम भाव, सहायक भाव भी कर्म कृत कहे गए, कर्म सापेक्ष। तो प्रकृति ने किए ना, तो केवल ज्ञान किसका कार्य हुआ? प्रकृति का। समझ में आया? उनके यहां जो पर्याय है वो प्रकृति है, और जो त्रिकाली द्रव्य है वो पुरुष है। तो पुरुष कुछ नहीं करता, और जो करता है सो प्रकृति करती। अब उसको खींच के यहां तक ले गए कि पुरुष ही, ये प्रकृति ही जगाती है, प्रकृति ही सुलाती है, प्रकृति ही जीव को नरक में ले जाती है। पुरुष तो वहां भी वैसे बेचारा पंगू जैसा बैठा रहता है। क्या फर्क है जैनियों में और सांख्य में? बस समग्र आचार्य का एक मंत्र है कि जो सर्वथा एकांतवाद है वो विष है, और उसमें स्यादवाद के मंत्र से उसको मंत्रित कर दो तो वो अमृत बन जाएगा। उनने सर्वथा भिन्न माना पुरुष को और प्रकृति को, सर्वथा भिन्न माना, और अपने यहां वो ही जीव शुद्ध नय की दृष्टि से देखा, क्योंकि नय विवक्षा जैन शासन के अलावा और कहीं नहीं। मुख्य गौण करके वस्तु को जानने की व्यवस्था जैन शासन के अलावा और कहीं नहीं। प्रमाण मीमांसा तो सब जगह है, नय मीमांसा नहीं। अगर शुद्ध नय से देखो तो वही भगवान आत्मा पुरुष चैतन्य आत्मा वो अकर्ता है, अभोक्ता है। 320 गाथा। दृष्टि, दृष्टि जैसे अग्नि को जानती मात्र है, करती नहीं है, भोगती नहीं, ऐसे आत्मा भी बंध का, संवर का, निर्जरा का, मोक्ष का करता नहीं है। वही तो पुरुष हुआ ना आपका, लेकिन अपने यहां नय विवक्षा से है, उनके यहां सर्वथा है। तो इतनी सा तो अंतर है, अरे इतना सा नहीं है। वो निबोध और सिद्ध का अंतर है। वो डॉक्टर साहब एक उदाहरण देते हैं, दिल्ली में उन्होंने कभी देखा होगा एक प्लेटफार्म के इस साइड में एक ट्रेन खड़ी और इस साइड में एक ट्रेन खड़ी, दोनों एक दिशा में गमन करती। थोड़ी दूर जाके एक का ट्रैक जरा सा 1 mm जितना वो चेंज हो के उधर घूम जाती है तो वो कलकत्ता पहुंचती है, और दूसरी का एक ट्रैक जरा सा 1 mm दूर सा घूम जाने वो बंबई पहुंच जाती है। तो इतनी सी तो फर्क है, इधर जा रहे इधर से, इधर मिल गई इधर से। अरे शुरुआत में इतना फर्क दिख रहा है, रिजल्ट में एक कलकत्ता पहुंचेगी, एक बंबई पहुंचेगी, है कि नहीं है? उसी तरह से इतना सा अंतर है तो वो सर्वथा और यहां कथनचित। तो भैया उस सर्वथा एकांत वो गृहित मिथ्यात्व है, विपरीत एकांत में गए विनय संशय और अज्ञान, ये गृहित मिथ्यात्व है। उसका फल परंपरा से निबोध है, और ये स्यादवाद शैली से वस्तु स्वरूप को समझना उसका फल मोक्ष है। इतना फल है, फर्क पड़ता है। तो सांख्य मति का निषेध करते हुए आचार्य देव कहते हैं जीव भी परिणामी है, ऐसे कलश हैं, स्थिर स्थिति इति अविघ्ना निरंतरस्य खलु पुद्गलस्य, ऐसा ये निरंतर आए निर्विघ्न सिद्ध हुआ कि जीव परिणामी। अगर परिणामी न होता तो बंध मोक्ष सिद्ध नहीं होता। ये बात 50 काय की जैसे ना चार देव की टीका में, जब ये मोक्ष मार्ग अधिकार हुआ, शायद बृहदर्थ संग्रह में भी है कि मूल तो दो ही हैं जीव और पुद्गल, ये आश्रव वगैरह कहां से उत्पन्न हो गए? ख्याल में आया जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य। तो उन्होंने कहा देखो जीव भी कथनचित परिणामी है,
और पुद्गल भी कथनचित परिणामी है, तो कथनचित माने आधा नहीं, परिणाम स्वभाव भी उसमें है, अपरिणामी तत्व भी है और परिणामी तत्व भी है। तो परिणमन करने की योग्यता के कारण जीव में आश्रव बंध सम्मान निद्रा मोक्ष, ये परिणमन होता है, ऐसा जवाब दिया, परिणाम स्वभाव से समाधान किया। तो सांख्य मतियों ने पुरुष को सर्वथा अपरिणामी कहा, तो जैन दर्शन ने पुरुष को एक अपेक्षा से, द्रव्य दृष्टि से, स्वभाव दृष्टि से अपरिणामी है, यानी स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता। जड़ भावे जड़ पर्ण में चेतन चेतन भाव, कोई कोई पलटे नहीं छोड़ी आप स्वभाव, जड़ कभी चेतन नहीं होता, चेतन कभी, ये अपरिणामी पना है। अपने बुंदेलखंड की एक कहावत हमारी माँ पहले कहा करती थी, और वो लौकिक संदर्भ में था, ये जीव का अपरिणामी स्वभाव बताती थी, जी को जौन स्वभाव जाए न जी से, नीम न मीठी होए खाओ गुड़ घी से, नीम तो कोई खाता नहीं, वो करेला न मीठा होए खाओ गुड़ घी से, अच्छा बढ़िया तल दो, मिर्च डाल दो, खटाई डाल दो, गुड़ डाल दो, जितना तो पता नहीं चलता, उसके स्वाद का पता नहीं चलता, फिर मसालों का आने लगता है, घी तेल का आने लगता है, खटाई मिठाई का आने लगता है, तो करेले का स्वभाव बदल गया है कि नहीं। तो ये परिणाम स्वभाव की बात इसने कही, ये 116 से 125 का था। तो ज्ञान से ज्ञान भाव और अज्ञान से अज्ञान भाव ही उत्पन्न होता है, इस सुनने में हंसी सी आती है, इसमें क्या दम है, इसका मतलब क्या है, ज्ञान से ज्ञान भाव और अज्ञान से अज्ञान भाव। उदाहरण भी देते हैं, लोहे के सारे गहने लोहमय होंगे, सोने के सारे गहने स्वर्णमय होंगे, तो जितने दुनिया जानती है इसमें कौन सी बड़ी बात। अरे सुनो, ज्ञानी की भूमिका में सम्यक्त के साथ में कदाचित जो राग इत्यादि है ना, वो भी राग का ज्ञाता होने से वो ज्ञान का गेय बना, कर्ता कर्म पना ज्ञानी का उसके साथ में नहीं है। तो ज्ञानी को होने वाला अवृत्ति प्रमाद कषाय योग वो सब ज्ञान के क्राइटेरिया में आए, क्योंकि ज्ञानी उससे अपने को भेद ज्ञान करते, और अज्ञानी को ज्ञान भाव, तो ज्ञान भाव माने भेद ज्ञान वाला ज्ञान भाव वो तो है ही नहीं, इसलिए उसका कितना भी ऊंचा स्वभाव करे हो, व्रत चीन संयम तप इत्यादि, वो काय में जाएगा, वो अज्ञान भाव। समझ में आया, अज्ञानी का शास्त्र ज्ञान भी क्या है। अरे हम तो प्रशिक्षण शिविर में बच्चों को पढ़ाते हैं, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, अब शेष में लगा लो क्या लगाने की हिम्मत हो, गणित का ज्ञान, ज्योतिष का ज्ञान, राजनीति का ज्ञान, मोबाइल का ज्ञान, कार का ज्ञान, परमाणु का ज्ञान, साइंस का ज्ञान, वो तो ठीक है, धवला जी का ज्ञान, समय सार का ज्ञान, चारों अणुओं का ज्ञान, यानी उस संबंधी ज्ञान, चैतन्य का ज्ञान का ज्ञान नहीं है, तो बाकी सब ज्ञान अज्ञान है। मोक्ष मार्ग की बात है, ये मोक्ष मार्ग का प्रकरण है, ठीक है। तो अज्ञानी जीव द्रव्य कर्म बंधने का निमित्त रूप अज्ञान आदि भावों का हेतु होता है, बस वही वही कथा चल रही है। हमें तो याद है एक बार हम जब जयपुर शुरू शुरू में गए थे, तो हम ही ने दो चार लोगों ने बैठ के, जो अचल जी वगैरह भी थे उस समय हमारे साथ में, चलो यार अपन लोग स्वाध्याय किया करें, तो पूरा कर्ता कर्म पर, इसमें तो पर के कर्ता पन्ने का खंडन किया है, वो राग को भी पर मान के उसका खंडन किया है कर्ता पने, ये बात ध्यान में रखना चाहिए। और यहां तो पूरी 80 से लेके अभी तक अपन चल रहे हैं, 80 गाथा से ये बात चालू हुई है कि जीव अपने भावों का करता है और कर्म अपने भावों का करता है, अभी तक चल रही है, मैं देख रहा हूं कहां बंद होती, समझ में आया ना है।
तो अज्ञानी जीव द्रव्य कर्म बंधने का निमित्त भूत अज्ञान आदि भावों का हेतु होता है, यानी उस रूप परिणमता है। पुद्गल के परिणाम जीव से जुदे हैं और जीव के परिणाम पुद्गल से जुदे, तो उसमें एक मर्म और है। अगर हम पुद्गल परिणामों के कर्ता नहीं है ऐसी श्रद्धा करेंगे तो दृष्टि कहाँ जाएगी? अपने ज्ञान स्वभाव पर ही जाएगी ना, तो राग उत्पन्न ही नहीं होगा, तो वो समझते ही नहीं है। आत्मा राग का कर्ता है कि नहीं है वास्तव में ये समझते ही नहीं है। तुम तो राग होए तो उसका कर्ता अकर्ता की बात करो। तुमने पुद्गल से भिन्न भेद ज्ञान किया, शरीर से भेद ज्ञान करोगे तो बोलो दुनिया जितने शास्त्र हैं सब में जहां जहां शरीर को भिन्न बताया है तो आत्मा को क्या बताया? राग वाला बताया, वो तो समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं, वास्तव में तो आत्मा तो ज्ञान स्वभावी बताया जाता है। मकान से भिन्न आत्मा भी ज्ञान स्वभावी, शरीर से भिन्न आत्मा भी ज्ञान स्वभावी, राग से भिन्न आत्मा भी ज्ञान स्वभावी, औपचारिक भाव से भिन्न आत्मा भी ज्ञान स्वभावी। तो वो ज्ञान स्वभाव का खूंटा तो चेतन को है उपयोग रूप, वो तो जहां का तहां खड़ा हुआ है। तो देह से भिन्नता में चैतन्य पर दृष्टि गई है तो अब राग की समस्या ही मिट गई। वो छठवीं गाथा में जो कहा ना, परद्रव्य से भिन्न उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। अब उन्होंने कहा कि अच्छा आपने एक बात बता दी कि कर्म का कर्ता नहीं, कर्म से बंधा है कि नहीं बंधा है? कर्ता तो नहीं है लेकिन कर्म और आत्मा में बंध है कि नहीं, एक क्षेत्रावगाही बंध होता है कि नहीं होता है? वहां तो कहा था चौदहवीं गाथा में जो आत्मा को अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष जानता है, समझ में आया ना, वो जैन शासन को देखता है, वो शुद्धने से अपने स्वरूप को देख रहा है। शुद्धने का मतलब ये फिर इस बात को उठाया यहां कर्ता कर्म अधिकार कि आत्मा कर्म से जीव कर्म जीव से बद्ध स्पष्ट है या अबद्ध स्पष्ट है। मुझे याद है जब अभी तो दादा के पुण्य पाप अधिकार पर प्रवचन चल रहे हैं जिनवाणी चैनल में, इसके पहले कर्ता कर्म अधिकार पूरा किया, जब उनने ये गाथा पढ़ी थी तब विशेष ध्यान दिलाया था कि जीव कर्मों से बंधा है कि नहीं बंधा है ये बात नहीं करी, कर्म जीव से बंधे हैं कि नहीं बंधे हैं ये बात। तो फर्क क्या पड़ गया इसमें? बात तो एक, अरे एक नहीं है, जीव कर्म से बंधा है उसमें जीव के स्वरूप की चर्चा आ जाती है। तो जीव तो चैतन्यमयी है ही लेकिन कर्म उसके साथ में बंधे हैं कि नहीं बंधे हैं, ख्याल में आया ना, यानी कर्म संयुक्त है कि नहीं है ये बात बताना चाहते। तो जीव कर्म जीव से बद्ध स्पष्ट है कि अबद्ध स्पष्ट है, शिष्य के प्रश्न का दोनों नयों से उत्तर दिया है। बस वही स्वद्रव्य परद्रव्य को मिला के निरूपण करता है। तो इस अपेक्षा ने नहीं तो संसारी जीव का स्वरूप सिद्ध नहीं हो। क्या कहा? जीव और कर्म का बंध यदि स्वीकार ना किया जाए तो जीव के दो भेद होते हैं, कौन कौन से? संसारीनो मुक्ताश्चर, संसारी और मुक्त सिद्ध, ऐसे भेद सिद्ध नहीं होंगे। ये भेद क्या सर्वथा असिद्ध है नहीं, सर्वथा हे है हे माने इनके अस्तित्व से इनकार, अगर संसार दशा नहीं मानो तो मोक्ष मार्ग की क्या जरूरत है? मोक्ष का पुरुषार्थ करने की क्या जरूरत है? जिसको संसार ही नहीं है उसका मोक्ष भी नहीं है, उसे मोक्ष की जरूरत ही नहीं। धर्मास्तिकाय के लिए है कोई मोक्ष मार्ग? अधर्मास्तिकाय के लिए कोई मोक्ष मार्ग है जिनागम में? क्यों नहीं है? है? अरे उसमें बंध ही नहीं है तो मोक्ष मार्ग का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो आदमी को बीमारी नहीं हुई उसके लिए क्या इलाज करना, क्या इलाज करना, जांच करा, अरे भैया हमें कोई बीमारी नहीं है। तो इस तरह बंध का
स्वीकार करना। अब बंद का अभाव कैसे करना, तो देखो बंद होने पर भी जो जीव का स्वरूप है ना त्रिकाली चैतन्य, वो उसमें बंद का प्रवेश नहीं हुआ। इसलिए शुद्ध ने से देखो तो संसारी जीव भी बंद रहे थे हैं। कितनी सुंदर द्रव्य संग्रह में है पंक्ति, सबे शुद्धा शुद्धनया, शुद्ध ने से देखो तो सभी जीव शुद्ध ही हैं। बोलने तो शुद्ध ने से कहे हैं तो अशुद्ध, ऐसी व्याख्या होती है तो बना हुआ है तो अशुद्ध, वो तो निश्चय से शुद्ध कहते। उसने तो पूरा खेल ही बदल दिया उस वकील ने, होना ये चाहिए कि है तो शुद्ध, वो तो पर्याय दृष्टि से व्यवहार दृष्टि से बंधा हुआ कहा गया है, यानी भजन कहां देना। झगड़ा किस बात का है, आगम प्रमाणों का झगड़ा नहीं है, मतभेद आगम प्रमाणों पे नहीं है, मतभेद भजन पे है, ये समझने लायक। और भजन किसी का कोई बदल नहीं सकता है। कभी कभी मैं वो शायरी कहता हूं, एक बार ज्ञानी जेल सिंह ने शायद कभी किसी प्रसंग में कही होगी, वो बहुत शेर व शायरी का प्रयोग करते थे जब राष्ट्रपति थे। गले मिलकर भी कम न हो सकी दूरियां अपनी, तुम्हें मजबूरियां अपनी हमें मजबूरियां। खूब प्रेम है, वासल है, आना जाना भी है, सब कुछ है, समझ में आया ना। मौका पड़े तो मिलते भी हैं, बोलते भी हैं, चर्चा भी, जब जैसा प्रसंग आया सब निभा लेते हैं, जिद नहीं करते हैं, लेकिन वो ख्याल में रखते हैं तुम्हें मजबूरियां अपनी ना हम। एक बार डॉक्टर साहब एक बहुत मार्मिक बात, आज तो लास्ट है ना, 5-10 मिनट चलेगा ना अभी, कितना अभी तो 40 मिनट हुए, खैर बहुत मार्मिक बात कही उनने। एक श्वेतांबर दिगंबर दोनों समाज के संत लोग बैठे थे, अपने यहां से भी कोई आचार्य श्री थे, कौन थे मुझे पता नहीं, तो एकता की बातें हो रही थी। तो अपने यहां से जो मुनिराज थे ना, उनने बड़ी मार्मिक बात कही, देखो भाई ऐसा है कि हम परस्पर वात्सल्य रखें, प्रेम रखें, एक दूसरे का सहयोग करें, ये एकता तो हो सकती है, होनी चाहिए, झगड़ा नहीं हो, सबसे बड़ी बात एक दूसरे के तीर्थ नहीं हड़पें, समझ में आया ना। लेकिन तुम कहो ना तो तुम कपड़ा उतार के दिगंबर होने वाले हो और ना हम कपड़ा पहनने वाले हैं, तो इस एकता की उम्मीद न रखना। ऐसी एकता इष्ट भी नहीं है, चाहिए भी नहीं, और ऐसी एकता ना हो तो कोई विरोध हो जाएगा, संघर्ष हो जाएगा, दंगा हो जाएगा, ऐसा थोड़ी है। तो भी हम अपनी विचारधारा सुरक्षित रखते हुए प्रेम से क्यों नहीं रह सकते, समझ में आया है? ऐसा सब जगह लगाना है तो बंधा हुआ भी है और बंधन रहित भी है, दोनों विवक्षाएं हैं और दोनों प्रयोजन भूत है। बंध को स्वीकार करना भी प्रयोजन भूत है और बंध रहित निर्बंध स्वभाव को जानना, अपना मानना, उसमें जमना रमना, उसके लिए प्रयोजन भूत। बंध को नहीं मानेगा तो सर्वथा एकांत हो जाएगा, ये विषय 141 गाथा में आया। और अंत कहां किया आचार्य ने, कि करता है कि नहीं है, भोगता है कि नहीं है, और भी 20 कलश लिखे एक टाइप के, एकस्य बद्धो न तथा परस्य चितिद्वयो द्वाविति पक्षपातम यस्तत्ववेदी चितपक्षपातम तस्यास्ति नित्यं खलु चित्चिदेव। ऐसे 20 कलश, एक न कहता है बना है और एक न कहता है नहीं बना है। ज्ञानी चैतन्य का अनुभव करते हैं, उन्हें बंधे और नहीं बंधे का विकल्प में उलझते ही नहीं। अब इस विषय को मैं एक उदाहरण से बात कह के पूरा करता हूं। पक्षातिक्रांत होना अपने ज्ञान का स्वभाव, उसमें कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लोक जीवन में भी सैकड़ों ऐसे प्रसंग हैं कि अपन पक्षातिक्रांत रहते ही और विकल्प जाल में नहीं उलझते। किसी को पता है प्याज के क्या भाव है? पेपर में पढ़ लो,
उन्होंने कहा इतनी प्याज हो गई किसानों ने सड़क पे फेंक, अपन को कोई फर्क पड़ता है? पर 100 रुपए किलो हो जाए तो अपन को फर्क पड़ता है, तो पक्षाती क्रांति हुए कि नहीं? न महंगाई से कोई प्रभाव, पक्षाती क्रांति माने अप्रभावित, समझ में आया ना? वो बिल्कुल तराजू का कांटा जैसा है ना, इधर झुके ना इधर झुके है। अरे और भी देखो, एक डॉक्टर के डिस्पेंसरी में कोई मरीज आता है, व्यापारी के यहाँ ग्राहक आता है, दुकानदार के यहाँ कपड़े की दुकान पे, किराने की दुकान पे, वो किस दृष्टि से देखता है? डॉक्टर देखेगा पेशेंट की दृष्टि से, व्यापारी देखेगा ग्राहक की दृष्टि से, और हिंदू है कि मुसलमान है? पता चल जाए तो भी, और पता नहीं चले तो जानने की कोशिश नहीं करता, बिल बनाए तो नाम पूछे तो मालूम पड़ता है, समझ में आया ना? स्त्री है कि पुरुष है, मांसाहारी है कि साथ, कौन से पक्ष में पड़ते हैं? ज्ञानी है कि अज्ञानी है, बीड़ी सिगरेट पीता कि नहीं पीता है, कौन से उसके आचरण के बारे में, उसकी जाति के बारे में, उसके धर्म के बारे में, ऐसा है कि ऐसा नहीं है, हम विकल्प करते हैं। बताओ अब क्या चाहिए? फलानी चीज चाहिए, उठा के दे दी, ले लिया, पैसे ले लिए, बात खत्म। सच्चे पक्षाती क्रांत हैं, हर दुकानदार हर ग्राहक, गवर्नमेंट को भी वैसा ही होना चाहिए। धर्म निरपेक्षता का अर्थ अधर्म सापेक्षता नहीं है, समझ में आया ना? धर्म निरपेक्षता का मतलब धर्म के आधार पर सरकार की नीतियां नहीं बनेगी। एक सड़क बनेगी हिंदू के लिए बनती कि मुसलमान के लिए बनती? एक रेल चलती है हिंदू के लिए चलती कि मुसलमान के लिए चलती? जितने भी जनहित के काम हैं वे भी वास्तव में पक्षाती ग्रंथ होते। तो उसी तरह से आत्मा चैतन्य मात्र है ऐसा दृष्टि में आया तो बंधने का भी विकल्प खत्म हो गया, और बंधा नहीं है, बंधा नहीं है, बंधा नहीं है, मेरे में बंधन नहीं है, मेरे में कर्म नहीं है, तो भी कर्म ही याद आएंगे। आत्मा में पर्याय नहीं है, दृष्टि के विषय में पर्याय नहीं है, पर्याय पर दृष्टि जाए बिना ये विकल्प कैसे खड़ा करोगे? तो पर्याय से भी पक्षाती क्रांति, पर्यायों से पार, समझ में आया? तो ये कहां आश्रव का अभाव कैसे होता है, बंध का अभाव कैसे होता है, यहां से ये बात शुरू हुई थी। फिर आत्मा किन भावों का करता है, किन का नहीं है, कैसे किसका कहा गया है, कहां कौन सी विवक्षा है, ये सब बताते हुए आचार्य देव ने पक्षाती क्रांति में ही इस विषय का समापन किया। मैंने सोचा तो नहीं था कि इतनी मीमांसा अपन कर पाएंगे, लेकिन आपकी गोष्ठी ने मुझे समझ लो ये पक्ष पैदा कर दिया कि अपन 3 दिन इसी विषय की चर्चा करें, और खूब गहराई से बार बार आप पढ़ें, अन्य ग्रंथों से भी मिलान करें, जहां शंका हो गए वहां गुरुदेव के प्रवचन सुने, उन गाथाओं के और विषय स्पष्ट होगा। सभी कर्ता कर्म के विकल्प से मुक्त होकर अकर्ता स्वभाव की निष्पक्षाती क्रांत अनुभूति को प्राप्त हों, इस भावना से मैं ये बात पूरी करता हूं।